गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से और पोटेंशियल यानी कि वी, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। और ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए और आपके स्कूल के लिए भी। तो हम ऐसे बोलते हैं इसमें, एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यों नोड। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई फील्ड लगाता हूँ यहाँ पे ई, किसके ऊपर? क्यों नोड के ऊपर। क्यों नोड क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज काफ़ी स्मॉल होता है लेकिन होता है पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी क्यों नोड के ऊपर तो ये क्यों नोट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स कितनी होगी? हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स लगती है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसको आ सकते हो। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगी क्यों नोट ई। ठीक, अब हमें पोटेंशियल चेक करना है। तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि इस चार्ज को, ये जो क्यों नोट चार्ज है, इसको हमें इस तरफ मूव करवाना है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑपोजिट मूव करवाएंगे और काफ़ी स्लोली करवाएंगे, स्लोली बिल्कुल। स्लोली का मतलब ये है कि इसमें एक्सलेशन जो है वो ज़ीरो होगा। जब ये मूव करेगा इस तरफ तो उसकी एक्सलेशन ज़ीरो होगी। मान लेते हैं कि ये स्मॉल डिस्टेंस मूव किया इसने डी आर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो ऑपोजिंग फोर्स हम लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे ना इस तरफ मूव करवाने के, वो किसके बराबर होगी? वो होगी माइनस ई क्यों नोड। होगी तो इसके बराबर ही। ठीक है, हमने पहले भी कर चुके हैं अपने आर्टिकल में, ये फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स लगाएंगे ये इसके ऑपोजिट होगी। तो ओनली डायरेक्शन का फर्क आएगा तो नेगेटिव के लिए, बाकी ये फोर्स बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डी आर डिस्टेंस कवर करने के लिए स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू हुआ। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है आपका? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू स्पेस। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डी आर डिस्प्लेसमेंट जोन से वेक्टर क्वांटिटी, सेंटर में आएगा डॉट बिकॉज वर्क इज ए स्केलर। तो जब भी कोई चीज़ हमें स्केलर चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जब कोई वेक्टर आती है तो यूज़ होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर स्केलर है इसलिए बीच में क्या आएगा? डॉट। तो उसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, निकाल लेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी आर, यानी कि एफ डी आर डॉट यानी कि कोस, कोस 180 होगा ना, 180 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 180 कितना होता है? माइनस का एफ डी आर कितना होता है? माइनस का नेगेटिव वन, माइनस वन होता है ना 180 का, तो माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस एफ डी आर आ गया। यहाँ पे एफ की रिपोर्ट कर दो, कितनी वैल्यू एफ की? एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एफ की वैल्यू है आपकी ई क्यू, ई क्यू नोट जो है एफ की वैल्यू है, साथ में आएगा यार। तो ये आ गया डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया एफ की वैल्यू? कितनी आ गई? ई क्यू नोट। देखो फोर्स जो है वो लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस तरफ है जिसको हम ई क्यू नोट लिख रहे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम करवाना चाहते हैं इस तरफ। तो काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। कितना एंगल आ गया? 180, पहले भी कर चुके। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई क्यू नोट डी आर आ गया। ठीक है, और नेगेटिव जो आगे कंटिन्यू रहेगा साइन आपका, तो ई वैल्यू आपकी होगी। अब डी डब्ल्यू क्या है आपके स्पोक डन? डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे आ गई? जब आप इस क्यू नोट चार्ज को डिवाइड करोगे इस वर्क डन से। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट। जिस पॉइंट पर लेके आओगे उसी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल काउंट होगा। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस का ई डी आर आ गया, और यहाँ से ई किसके बराबर आ गया? माइनस का डी वी बाई डी। तो रिलेशन ड्राइव हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। तो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में हम इसके बारे में और भी केस डिस्कस करेंगे आगे जब हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस करने से पहले आपके जो इसके यूनिट्स हैं आपको पता होना चाहिए। तो ईजी है, वी बोनार यानी कि जो पोटेंशियल वो निकाल लो आप, और डी आर मीटर में आएगा तो आराम से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये आपको ये होमवर्क है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का आपको जो इसमें होमवर्क है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं अब हम इक्विपोटेंशियल
सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से जैसे इसको आप पता कर सकते हैं इसके बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल रिमेन इक्वल। जैसे अगर मैं सरफेस मान लूँ और यहाँ से डिस्क का कोई स्फेरिकल बॉडी ले लेता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज मैंने क्यू ले लिया, तो इसका सरफेस है इस स्फीयर या इस सर्कल के अराउंड, यहाँ पे जो पोटेंशियल क्या होगा सभी में सेम होगा। अगर यहाँ पे वी है ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, तो बी पॉइंट के ऊपर भी क्या होगा पोटेंशियल वी होगा। समझ गए, ये नहीं है कि ए पॉइंट के ऊपर वी है और बी पॉइंट के ऊपर वी टू बन गया, नहीं, इस पूरे के ऊपर सरफेस के ऊपर जिस मर्जी इस पॉइंट को ले लो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्या आएगा वी आएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर अब मैं इस चार्ज के अराउंड एक और स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा पोटेंशियल सब में इक्वल होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल जो है वी वन है तो यहाँ पर भी क्या होगा वी टू होगा। यानी कि विद डिस्टेंस ये आर वन है तो ये आर टू होगा, कि अगर इसका रेडियस चेंज हो जाए तो पोटेंशियल में चेंज आएगा लेकिन इस सरफेस के ऊपर जो है पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, इस पोटेंशियल के ऊपर सरफेस सेम रहेगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊँ इस वे में और यहाँ पे मैं शीट स्टोर करता हूँ इक्वल साइज की, ठीक, यहाँ पर शीट स्टोर कर दी मैंने, ये एक और आ गई और ये यहाँ पे ये मैंने एक और ड्रॉ कर दी। तो अगर इस शीट के ऊपर पोटेंशियल V1 है तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर शीट के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल V1 होगा। सिमिलरली अगर इस शीट के ऊपर पोटेंशियल V2 है तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल V2 होगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल जो है सेम रहता है। अब इसी से हमें और चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखो किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, डीवी की, ठीक है, तो डीवी क्या, हम क्या बोलते हैं डीवी को, हम बोलते हैं वी टू माइनस वी वन, ऐसे बोल देते हैं ना। शुरू में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को जो है डिफाइन किया था, ठीक है, तो उसमें हमने बोला था कि जैसे ए पॉइंट यहाँ पे लिया है बी पॉइंट यहाँ पे लिया है, हमने बोला कि क्यों चार्ज को मैंने मूव करवाया यहाँ से यहाँ, क्यों नोड को टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करवाया, तो मैंने क्या बोला कि वी ए फाइनेंस माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूँ तो इसमें वी, अगर चार्ज आपका यहाँ से ये ए पॉइंट ले लेते हैं या बी पॉइंट ले लेते हैं तो चार्ज मूव हुआ बी टू ए, तो भाई वी ए वी बी इसमें तो डिफरेंट था लेकिन इसमें क्या होगा सेम होगा ना, सेम होगा, इसलिए वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा ज़ीरो। यानी कि वर्क डन कितना आ गया ज़ीरो आ गया। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, चार्ज यहाँ से यहाँ मूव होगा तो ज़ीरो वर्क, यहाँ से यहाँ मूव होगा तब होगा वर्क, और यहाँ से मूव करने में भी कोई वर्क नहीं होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है, तो बाकी आपको नोट्स दिए जाएंगे तो उसमें आप जो प्रॉपर्टी सारी इसकी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही था इसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके ऊपर जो है मेन चीज़ ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर काम करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती, या फिर बोल सकते हो कि काम जो है इसमें ज़ीरो आता है, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर ये चार्ज क्यों है तो फील्ड लाइंस, आपको पता है कि हर एक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो है फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ इसको अगर मैं, तो यहाँ पे क्या होगा फील्ड क्रॉस होगी ना, तो फील्ड हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी। बाकी नोट्स में आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में, आपके कंसेप्ट के लिए ठीक रहेगा, कि अगर ये होलोस्फीयर है, कैसा स्फीयर है होलोस्फीयर, आप जो है गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं उसको, ये आपका होलोस्फीयर है, तो होलोस्फीयर के मैं कोर्स में मान लिया हमने, तो अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज क्यों है, तो चार्ज के ऊपर ही होगा, सरफेस के ऊपर होगा, इनसाइड कितना चार्ज होगा जीरो होगा, ठीक है। अगर इनसाइड इसके जो चार्ज जीरो है तो फील्ड कितनी हुई ज़ीरो हुई, ठीक। तो अगर मैं स्फीयर का रेडियस ले लेता हूँ कैपिटल आर और मैं बोलता हूँ कि इस पी पॉइंट के ऊपर मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया,
समझ गए, इस पी पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया यहाँ पे, तो कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर, इसका डिस्टेंस अगर मैं ले तो स्मॉल आर, तो पोटेंशियल कितना आएगा इन्फिनिटी से कहाँ लेके आया मैं पी पॉइंट के ऊपर, ऐसे बोल सकते हो आप, तो बराबर के यानी के कि आपको पता 1/4 ε0 जो है वो आएगा, तो क्यों नोट लेके आया किस चार्ज के प्रेजेंस में, क्यों के प्रेजेंस में बाय डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर, तो क्यों जो है क्यों नोट जो है टेस्ट चार्ज को वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, तो वह आएगा के क्यू बाय आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर आएगा, तो ये भी आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि होलोस्फेयर में अगर पॉइंट बाहर है तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया होलोस्फेयर है आपका चार्ज्ड, इस पॉइंट बाहर ले लिया हमने पी, तो चार्ज इसके ऊपर क्यों है या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसके ऊपर चार्ज, और इसका रेडी जो है ये आर है कैपिटल आर, और जो पॉइंट है जहाँ पे हमें निकालना है पोटेंशियल होता है स्मॉल आर, तो हमने कर लिया है कि पोटेंशियल जो है जब इन्फिनिटी से इसको हम पी तक लेके आए तो कितना इसमें वैल्यू आई के क्यू डिवाइड बाय आर, ये आगे वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं सरफेस के ऊपर लेके आऊँ, सरफेस के ऊपर मतलब अब सेकंड केस में मैं पी पॉइंट मैंने मान लिया सरफेस के ऊपर, तो चार्ज लेके आया मैं टेस्ट चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर पी डैश लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके आया मैं पी डैश, तो कितना वैल्यू आएगा के क्यू डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस है इसका आर, डिस्टेंस है आर क्योंकि सेंटर से कितना है रेफरेंस पॉइंट कितना है ये रेफरेंस पॉइंट आपका, तो कितना डिस्टेंस है कैपिटल आर। नेक्स्ट चीज आती है इसमें कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल इनसाइड द होलो चार्ज्ड शेल और स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर को शेल ही बोलते हैं, तो अगर किसी इनसाइड पे निकालना मुझे पी डबल डैश ले लेता हूँ तो कितना पोटेंशियल आएगा। देखिए इनसाइड चार्ज जो है जीरो है, इसका मतलब एक्टिव फील्ड जीरो हुई, इसका मतलब इनसाइड वर्क में कितना आएगा जीरो आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी जो जीरो आएगा, आप गलत बोलोगे, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो इसका होगा होगा, ठीक है, तो मैं से मान लेता हूँ कि इसके सेंटर में जो पोटेंशियल वो है वो पी वी पी डबल डैश है, तो इसके बाहर यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वी पी डबल डैश है, और इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मैंने ले लिया मान लो वी पी डैश, तो डिफरेंस क्या देता आपको वर्डन देता ना, तो जीरो जीरो है, लेकिन यहाँ से देखो इसका मतलब ये हो गया कि वी पी डबल डैश इक्वल टू कितना आ गया वी पी डैश, यानी कि जो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके इनसाइड होगा, ठीक है, तो ये जो है लिखा है मैंने सरफेस के ऊपर के क्यू बाई आर, यही इसके इनसाइड भी पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी स्फेरिकल शेल है इट बिहेव्स लाइक डैट इट इज़ ए पॉइंट चार्ज, इट बिहेव्स लाइक डैट इट इज़ ए पॉइंट चार्ज, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ हमने क्लियर किया, तो बाकी आप नोट्स में इसको देख सकते हो कि किस टाइप में आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन इसकी द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेट इज वी इक्वल टू अपॉन क्यू, तो डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्यू नोड यानी कि कोई टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से टू सम पॉइंट ए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज से ज़्यादा ही हो सकता है, और मिनिमम चार्ज जो क्यू नोड वन आएगा तो ज़्यादा चार्ज जो है या प्लस में इससे बड़ा चार्ज जो हम उसको मूव करवाएंगे इन्फिनिटी से टू ए पॉइंट जहाँ हमने निकालना है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसमें नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है ई, और इस फील्ड का यूज़ क्या होगा या इस फील्ड का मोटिव क्या है, ये फील्ड जो है जिस चार्ज को हम जैसे मान लो कि हम जो है क्यू वन को चार्ज को इन्फिनिटी से मान लो कि इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट ए है यहाँ पर लाना चाहते हैं तो ये फील्ड क्या करेगी इसकी अपोज करेगी जिस कारण हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब हम इसे समझेंगे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है एक फील्ड ई जो है वो लग रही है, ठीक,
तो जैसे कि आपको डेफिनेशन पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज, नॉट यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज के अलावा चार्ज मान लो क्यू वन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आपने चार्ज क्यू वन जो है इन्फिनिटी से लेके आना है, ठीक है। इस पॉइंट को जो पीछे वेक्टर वो कितना है, वो है आर वन। ठीक, वैसे ही आपने क्या किया उसके बाद क्यू टू को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लेके आए आप, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर टू है, ठीक। इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया आर वन टू, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस आप बोलोगे कि जब आपका फर्स्ट चार्ज आया इन्फिनिटी से पॉइंट ए के ऊपर, तो आप बोलोगे देखो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो ये वर्क किसके बराबर आया, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इन टू क्यू, ठीक है। तो इस केस में हम वर्क बोल सकते हो आप, इस केस में वर्क फर्स्ट बोल लो जाए इसको आप, पोटेंशियल कितना आया वी वन, यानी कि फर्स्ट चार्ज के लिए कितना पोजिशन वैक्टर है इसका आर वन, और क्यू कितना है क्यू वन। तो फर्स्ट केस में काम किया आपने वी वन आर वन इंटू क्यू वन, जबकि इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका यू वन से भी डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम यानी कि जब आप चार्ज जो है क्यू टू लेके आओगे, तो ये हो जाएगा वी टू आर टू इंटू क्यू टू, ठीक। लेकिन सेकेंड टाइम जब लेके आओगे, यानी कि जब आप सेकेंड चार्ज को लेके आओगे, तब आपको एक तो वर्क करना है ई के लिए जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, और एक वर्क करना पड़ेगा आपका क्यू वन के लिए यानी कि ई वन के लिए। मतलब क्यू वन चार्ज जो है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जिसे हम बोलेंगे ई वन। तो इसको पोज करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक थर्ड वर्क आएगा, थर्ड वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू आएगी इसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय, कितना डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में लिखा है आपने आर वन टू, लिख लो उसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक। तो ये तीन टाइप की एनर्जी आपने यहाँ पे, ये तीन आपने काम अलग अलग किए, इन तीनों को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास जो है आ जाता है इक्वल्स टू वी वन आर वन क्यू वन प्लस वी टू आर टू क्यू टू प्लस 1/4 एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर वन टू। तो ये हमारा आर्टिकल ड्राइव हो गया। क्या आर्टिकल ड्राइव किया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्राइव कर लिया, लेकिन ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो ना हो, सिंपल बोला जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, तो उस केस में आपके ये दोनों वर्क जो हैं, ये दोनों वर्क ये कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और ओनली थर्ड आएगा, ठीक है। ये दोनों वर्क जीरो हो जाएंगे, इसी का ध्यान रखना आपने, अगर आपका नॉट इन एन एक्सटर्नल फील्ड बोला होगा तो, ठीक है। लेकिन अभी आपका सिलेबस में यही है कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डेरिवेशन आपने कर ली है। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ। थ्री चार्जेस ईच ऑफ टू माइक्रो कूलम सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फोर चार्ज माइनस टू इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने बनाना है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट आ गया इसको, तो इसमें बोला है कि देखो सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मैं सेंटर में निकालना है ना, और मैंने मान लेता हूँ कि जो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, और जो है बाकी इसमें 2 माइक्रोकूलम जो है बाकी पॉइंट्स पर है, बाकी 3 कॉर्नर्स पर है, ठीक है। तो सेंटर में कहा, सेंटर से यानी कि मुझे हर एक का डिस्टेंस जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और साइड दी है इसमें 10 सेंटीमीटर ईच, यानी कि मुझे ये 10 10 यूज़ करके ये आर और ये एक्स, इसको मैं एक्स मान लीजिए पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ डिफरेंट आएगी, ये आर नहीं आएगा, ठीक है। ये आर, ये एक्स है, तो ये आर है
इट इज़ सम ऑफ टू एक्स, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, बेस बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होता हमेशा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जब आप इसको ट्रायंगल में इक्लो ट्रायंगल अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, बड़ा ही आएगा ना, तो आर बड़ा है तो एक्स क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, एक्स इज लेस देन आर, तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है, कि आप इसको बराबर लिख दोगे एक्स इक्वल टू आर तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम दो बटा, इसको भी हम यहाँ से दो बटा लिख लेते हैं, ये एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ ए बी सी डी, अगर मैं लिखूँ कि भाई ए डी इक्वल्स टू थ्री एक्स है, ए डी इक्वल थ्री एक्स है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ए डी लिख लेता हूँ, ये मैं टेन का हाफ फाइव हो गया और ये टेन हो गया, तो यहाँ से जो है मैं ए डी निकाल सकता हूँ, तो आप जो ए डी आएगा वो कितना आएगा आपका, ए डी जो कितना आएगा देखो निकाल लेते हैं यहाँ से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ए बी, ए बी, ए बी का स्क्वायर, मैं ए डी यहाँ से ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो भी है, तो ए डी स्क्वायर निकालना आपने, ए डी स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पर आएगा टेन का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 75, सेवन का रूट ले लो आप, तो आता है 5 अंडर रूट 3, फैक्टर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो आगे ए डी कितना आ गया आपके पास, 5 अंडर रूट 3, यानी कि ए डी को 3x इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, एक्स कितना आ गया आपके पास, एक्स आ गया आपके पास 5/3 अंडर रूट 3, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब आप लिखोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट, पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए बोल सकते हो आप, तो ले सकते हो आप ओ ए ले सकते हो, पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल आगे पोटेंशियल एट ए ओ ड्यू टू ए चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एट बी की वजह से, पोटेंशियल सी की वजह से, और पोटेंशियल जो मैंने सेंटर ले लिया पॉइंट डी की वजह से, तो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों तो बराबर है आपके, ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है तीनों की और डिस्टेंस भी आर 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 सेम है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो, तो किसी एक का सोल्व कर लेते हो बाकी सोल्व अपने आप इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ओ ए कितना आ गया, ओ ए इक्वल्स टू 9×10^9, ठीक है, ये मैंने लिखी वैल्यू के की 1/4π ε0 की लिखी मैंने, चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम है, माइक्रो 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10^6 माइनस का 6 माइक्रो तो माइनस का 6, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है नीचे इसका आर है, वही डिस्टेंस है ना, जितना आर है वही डिस्टेंस है, तो आर कितना है इसमें, आर कितना है, आर इसमें है आपका 10√3, तो आर आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो डायग्राम से, चलो मैं आर आपको एक बार निकाल के इसमें बता देता हूँ आर का, तो ये आर यहाँ से आ जाएगा आपका, हाँ तो हाँ आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये बोला था आर टू एक्स टू पुट किया तो ये आ गया 10√3, तो उसको आप चाहे रहने दो रेस्टलाइज मत करो, 10√3/3 आएगा यहाँ पे, आएगा 10√3/3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ उसको मैं, तो हम निकाल रहे थे वी ओ ये बराबर है वी ओ बी बराबर है वी ओ सी के, तो ये आ रहा था 9×10^9 चार्ज 2×10^-6 और साथ में लिखा था आर आर की वैल्यू थी 10√3/3 थ्री ऊपर में ले गया इसको, तो बाद में ये सभी के लिए सेम है, तो मतलब आपने यहाँ से 3 से करना है तो ये आ जाएगा टोटल में इसको यूज़ करके प्लस, अब आएगा प्लस में क्या होगा वी ओ डी, वी डी निकाल लेना, वी ओ डी में बहुत ईजी है, वो भी 9×10^9 आएगा, ठीक है, और साथ में चार्ज, चार्ज कितना है इसका माइनस का 2 माइक्रो कूलम, ये यूज़ करना आपने, माइनस लगाना है इसमें, माइनस की बहुत वैल्यू, ठीक है, तो वी ओ डी की वजह से आ गया 9×10^9 चार्ज कितना माइनस का 2×10^-6 और x के लिए कितनी है, x निकालना आपने, कहाँ निकालना है, x ही निकालना है, x कितना है 5√3/3, इसका यूज़ कर लो 5√3/3 है ना, 3 ऊपर ले जाओ, अब ये कि ये जो है ये सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट कर लो मीटर में, यू 10^-2, वैसे ही इसमें भी इसको कर लो कन्वर्ट मीटर में, बस ये वाली यूज़ कर लो आप, आराम से आपका क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो जाएगा और इसका आंसर आएगा आपका 3.07×10^5 वोल्ट, तो इतना तो आप इसमें सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट अपना।